works. आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। आई होप आप सभी को आवाज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा। और एक बात, आज आपका बुधवार है तो बुधवार शुक्र बृहस्पतिवार शुक्रवार इस तीन दिन के अंदर ना आपके फरवरी के महीने के करंट अफेयर को जो है वो खत्म कर देना है। और आप बोलोगे भैया क्लास थोड़ा लंबा ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आप टाइम देना क्योंकि ये तीन दिन के अंदर ही पूरा करंट अफेयर जो है फरवरी महीने का खत्म करना है बिना एक क्वेश्चन छोड़े हुए। फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करवाते हैं और पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर है। उम्मीद करते हैं आज आप सभी को क्वेश्चन बहुत नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा होगा। और टाइमर कम से कम लगा देते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए ताकि आप सभी जो है वो जज कर पाओ। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर आप सभी देना, तब तक मैं टाइमर लगाता हूं ताकि क्वेश्चन के साथ साथ ना एक बार अपने आप को जज करने का आपको मौका भी मिले। वीएलसी आरजेडी, और मैं हर एक क्वेश्चन का जो कमेंट्स है ना वो कम से कम देखूंगा हर एक प्रश्न में ताकि आप सभी का जो आंसर है वो क्या आ रहा है। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, अब्दुल गफर का निधन हो गया है हाल ही में, वो किस राजनीति दल से थे? तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आरजेडी, जो कि आंसर आ भी रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ो, मैं फोन में कॉमेंट्स भी चेक करूंगा फटाफट। अब्दुल गफर खान, बिल्कुल इसके पहले वाला आंसर आपका आरजेडी ही था। इसका आंसर क्या होगा आप सभी का, आरजेडी भैया नीतीश कुमार पटना, अच्छा हाँ बिल्कुल सही है भाई। इसका आंसर बोलो आप सभी क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी यानी नो योर कस्टमर निर्देश का पालन ना करने के लिए किस बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? यूको बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या आपका एचडीएफसी बैंक, जो भी बताना, बैंक के बारे में हर एक जानकारी भी आपको बताना पड़ेगा, साथ में ये भी पढ़ना है आप सभी को, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा हमारा, एचडीएफसी तो कमेंट से आ रहा है लाइन से आंसर आपका एचडीएफसी। अच्छा एचडीएफसी का पता है गठन कब हुआ था, 1994 में, ये याद रखिएगा आप सभी कम से कम। अच्छा इस बैंक का मुख्यालय कहां पर है आपका, मुंबई में। अच्छा इस बैंक का जो चेयरपर्सन है उनका नाम आप सभी को पता है क्या, कोई मेरा भाई अगर बता दे, क्योंकि आप सभी को ना ये सब चीज भी आपको पढ़ना है। और इस बैंक का टैगलाइन क्या है, टैगलाइन कोई मेरा भाई बता दे इसका चेयरपर्सन और इस बैंक का टैगलाइन। मैंने काफी बार करवाया है सुबह वाले क्लास में, रात को 11:30 वाले क्लास में। कौन बोलेगा इसका आंसर, 1994 आदित्यपुरी चेंज हो गए, अब आदित्यपुरी एचडीएफसी बैंक के चेयरपर्सन नहीं है। और कोई बोलेगा इसका आंसर, बिल्कुल जीके किंग का सही आंसर आ रहा है हमारा, शशिधर जगदीशन, बिल्कुल सही है। टैगलाइन क्या होगा, चुमकी सिंगा, बिल्कुल टैगलाइन होगा वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। ये सब पॉइंट याद रखना आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, शशिधर शशिधर जगदीशन, जितने भाई भी मेरे देख रहे हैं एक बार मैं बोलूंगा आप सभी को, बस इतना बात बोलूंगा ना, ये आप क्वेश्चन तो याद करो ही करो, करेंट अफेयर में एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, लिख कर दे दे रहा हूं। कल एग्जाम था ना एसएससी का, भैया पेपर बहुत हार्ड आया, मैंने देखा पेपर हार्ड आया कि नहीं आया, मैंने देखा है। ये सब पॉइंट से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने और टाइमर स्टार्ट होता है अब। नासा क्वेश्चन आया आपके सामने, आपने क्या देखा,
क्वेश्चन में आपने देखा क्या? क्वेश्चन में मैंने देखा भैया पहले नासा, नासा और किस एजेंसी ने सूर्य के ध्रुव पर पहली बार नजर रखने के लिए एक नए मिशन शुरू करने का सहयोग किया है। अब आपको आंसर तो बताना ही बताना है, वो तो कोई भी बोल देगा आंसर रट लोगे। नासा का गठन कब हुआ था, नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है, नासा का चेयरपर्सन कौन है? आप बोलेंगे भैया ये है क्या जिम ब्रिडेनस्टाइन, ये बिल्कुल नासा के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर। याद रखना है नासा का गठन कब हुआ था, 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन डीसी, जो आपका अमेरिका में पड़ता है। एक क्वेश्चन बनेगा और ये जो आप डेली पढ़ रहे हो ना, ये हंसते खेलते क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में। अब बोलो आप इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, कमेंट्स क्या आ रहा आप सभी का इस क्वेश्चन का? बहुत बढ़िया, 1998 नहीं 1958, ईएसए, बिल्कुल यूरोप स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। और आज क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कभी आज तक देखे नहीं इस वीडियो पर 7 या 8 डिसलाइक। अच्छा डिसलाइक इसलिए आया होगा कि भैया हो सके क्लास भैया आज नहीं लेंगे, या रीजनिंग का क्लास 2 दिन से नहीं चल रहा है, कोई नहीं ठीक है। अच्छा इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, टाइमर, ये घड़ी देखना, ये जो मैं घड़ी आप सभी के लिए पास लगा रहा हूं ना, ये कोई शौक के लिए नहीं लगा रहे कि आपको अच्छा लग रहा है देखने के लिए, ये मैं इसलिए लगा रहा हूं कि क्वेश्चन आप सभी के सामने, टाइमर आप सभी के सामने, आप पर क्वेश्चन में कोशिश करो कि आप 20 सेकेंड से ज्यादा टाइम ना लो, ठीक है। इसको आंसर देखो आप सभी का क्या बोल रहा है, निरंतर पेंशन के लिए बैंकों के द्वारा अपने पेंशन भोगियों के वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र को उनके दरवाजे से ले जाने के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा। जिनके भी घर में अगर किसी को पेंशन मिलता है, जितने भी हमारे अंकल आंटी है जो भी हैं, आपको पता है ना हर साल उनको प्रमाण पत्र देना पड़ता है बैंक में। अब क्या होगा ना, और उनको बैंक भी जाना पड़ता था, अब ये क्या है, आप अब उनको बैंक जाना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, उनको बस एक चार्ज देना पड़ेगा बैंक को, बैंक वाला आदमी आपके घर आएगा और वो ये प्रमाण पत्र लेकर चला जाएगा। कितना रुपए शुल्क रखा गया, रेट बताओ फटाफट इसका आंसर, 60-40 आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। हालांकि आप एक बात याद रखना, मैं आप सभी को जो क्लास करवाता हूं ना, मैं एग्जाम जैसा माहौल बनाने की कोशिश करता हूं। देखो ये मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है एक शिफ्ट में कम से कम 7-8 लाख स्टूडेंट बैठेंगे ऑल ओवर इंडिया, ये 7-8 लाख स्टूडेंट ये क्वेश्चन को देखेंगे, ये चार ऑप्शन उनके पास होगा। और ये जरूर है कि 1-1.5 लाख बच्चे ये बोलेंगे, 50,000 बच्चे ये बोलेंगे, 8,000 बच्चे ये बोलेंगे, लेकिन आपको सोचना है आप एक क्वेश्चन से कितने लोगों को पीछे छोड़ रहे हो। जो भी 60 बोल रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, और टाइमर आपको फिर से स्टार्ट होता है अब। दक्षिणी सेना कमान का प्रभार किसने लिया है, किसको दिया गया है? साउथर्न आर्मी कमांड का चार्ज किसे दिया गया, कृष्णा राज, सुदेश राजपूत, आनंद मेहता या फिर सीपी मोहंती, ये आपको बताना है। और क्लास फटाफट कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कवर करना है। इसका आंसर क्या होगा, 30 सेकंड का टाइम काफी है, फटाफट जितना करेंट अफेयर करवा दे रहा हूं ना, एग्जाम से एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा भाई, याद रखिएगा। लेकिन एक दिन पढ़कर 2 दिन पढ़कर एग्जाम नहीं निकलेगा। और एक बात, अगर कोई एग्जाम से, अच्छा पहले आंसर देख लेते, इसका आंसर क्या आ रहा है, सीपी मोहंती। याद रखना आपका हर एक आंसर उस सही स्टूडेंट के साथ जाना चाहिए, आंसर बिल्कुल सही बोल रहे सीपी मोहंती। और एक बात याद रखना, अगर आप एनटीपीसी के एग्जाम में बैठे ना, और आपके सामने मान लो 40 क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन में, ये मैं गारंटी बोलता हूं कि 30 क्वेश्चन तो मेरा फंसेगा, कम से कम मैं एग्जाम के दिन आऊंगा। लेकिन अगर मान लो, अगर मैं सिर्फ करेंट अफेयर की बात कर रहा हूं, जीके भी पढ़ाता हूं लेकिन उसकी बात छोड़ दे रहे,
ठीक है, अगर मैं बस करेंट अफेयर की बात करूं, मेरी बात को ध्यान से एक बार आप सभी सुनिएगा, इसका आंसर क्या होगा? सीपी मेहता। अब आप ध्यान से सुनो एक बार, क्योंकि हर बात को समझाना जरूरी है। 40 क्वेश्चन है ना, इसमें 15 क्वेश्चन तो आप सभी का कम बनेगा करेंट अफेयर से, ये सियोर शॉट है भाई। ठीक है, अब मान लो इस 15 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन 2018 का या 2019 के स्टार्टिंग महीने का बन गया ना, चिल्लाना मत। क्या भैया 19 का भी क्वेश्चन बना, 18 का भी क्वेश्चन बना, चिल्लाना मत। मैंने आपको कहीं पर ये बोला है क्या कि आपको 40 में 40 लेकर आना है? ये तो नहीं बोले ना, ये बोला हूं मैंने क्या? मैं बोल रहा हूं 40 में अगर 40 में ना आप 30 नंबर भी उठाते हैं तो आपका एग्जाम निकलता है। आपके पास अभी भी मौका 10 क्वेश्चन छोड़ने का, तो चिल्लाने की जरूरत नहीं। आप देखो ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहा है, वो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, अपने टारगेट तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे। बहुत सही, तैयारी अच्छे तरीके से की है, अपना टारगेट फुलफिल हो गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। एक चीज याद रखिएगा, इसका आंसर बोलो क्या होगा, और टाइमर आपका फिर से स्टार्ट होता है। अब सरकार का लक्ष्य पीएमएजी के तहत किस वर्ष तक सभी के लिए आवास का उद्देश्य प्राप्त है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किस वर्ष तक सभी के लिए आवास का उद्देश्य रखा गया है? 21, 22, 25 और 24, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट, और एक बार सेशन को ना मेरे भाई बहन शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। चलो एक बार सेशन को आप सभी शेयर कर देना, जितने लोग भी देख रहे हैं। 2022, बिल्कुल याद रखना, केंद्र सरकार का टारगेट है 2022 तक सभी गरीब को घर देने का। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, और टाइमर भी हर एक क्वेश्चन के लगाऊंगा ताकि आप सभी अपने आप को जज कर पाओ। 357 शहीद के लिए नागालैंड में युद्ध स्मारक किसने बनाया था? अच्छा, नागालैंड का राजधानी पूछा गया ये एसएससी के एग्जाम में, मजाक कर रहे हो क्या हमसे? अरे मजाक नहीं कर रहे, सही बोल रहे हैं, कोहिमा ये पूछा गया था एग्जाम में। आप बताओ 357 शहीद की नागालैंड में युद्ध स्मारक किसने बनाया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, बर्मा इन्फेंट्री, या फिर आपका मोपाला राइफल्स, कर्नाटक लिखा है, कर्नाटक इन्फेंट्री, या फिर आसाम राइफल। आंसर क्या होगा इसका? आसाम राइफल। प्रेम बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला 300 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन गिनो ही मत। यहां पर क्या बोल रहा है, टाइमर तो बनता है ना, यहां पर बोल रहा है आप सभी को, किस राज्य सरकार ने बढ़े हुए मासिक वजीफे और वार्षिक कार्य दिवस के साथ बेरोजगारों को 5,000 रुपए वजीफे, ये वजीफे क्या है, बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। अच्छा, पहले 2500 था, अब इसको बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है, बेरोजगारी भत्ता बोल सकते हो, किस राज्य के द्वारा? हालांकि मिलता नहीं है ये सब, मिलता नहीं है, ये सब बकवास की बात है भैया। देखो भैया, अप्लाई करोगे तब तो मिलेगा ना भाई, ये नहीं बोलूंगा कि मिलेगा नहीं, मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा, कौन बोलेगा नहीं मिलेगा। अगर 100 लोग है ना तो 20 लोगों को मिलेगा, 80 लोगों का पैसा नेता खा जाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, ग्राउंड रिपोर्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर, आसाम, हरियाणा और मध्य प्रदेश। आंसर आप सभी का इस क्वेश्चन का फटाफट। एमपी के बारे में, आसाम नहीं होगा पंकज, एमपी के बारे में सभी जानकारी देंगे। 29 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, शिवराज सिंह चौहान एसएससी, ऐसे याद कर लो ना, अरे गजब मजा आ गया भैया, ट्रिक बन गया, एसएससी कहां के मुख्यमंत्री है? शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के। अच्छा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई मेरा भाई बताए यहां का चीफ जस्टिस कौन है? नया बने हैं, मैंने आपको अप टू डेट करवा दिया था मामा जी, बिल्कुल मैंने आपको अप टू डेट भी करवा दिया था, यहां के मुख्य न्यायाधीश नई वाला। इनका आंसर बोलिए, अजय मित्तल, आकाश आंसर गलती है, पुराना है आप बता रहे हैं, मैंने आप सभी को अप टू डेट करवा दिया था। क्या होगा? अजय मित्तल गलती बोल रहे हैं, इसका आंसर क्या बात है भाई, गुलशन राजपूत, बहुत बढ़िया भाई, याद रखे हो मैंने अप टू डेट करवा दिया था। आप रट्टा मार लो एक बार, दिमाग में बोलो, संजय यादव,
संजय यादव को नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है मध्य प्रदेश का, याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टाइमर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। चलो, किस राज्य की सरकार को अपना पहला स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र जो है वो मिल गया? त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड। 30 सेकंड का टाइमर, 20 सेकंड के आंसर आप सभी का मिलना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तराखंड। आंसर 30 सेकंड के अंदर देना है हर एक क्वेश्चन के आंसर, ये याद रखिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। भाई इतना गलती होगा तो कैसे चलेगा रे बाबा। प्रेम राज, बेबी रानी मौर्या, बहुत सही भाई, बहुत सही। उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर है और प्रेम बिल्कुल सही भाई आंसर इसका। यहां के राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्या, ये तो बिल्कुल सही बोला आपने। और बाकी जानकारी कौन देगा? अमित, बिल्कुल सही, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां के मुख्यमंत्री, लोकसभा राज्यसभा मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस सुभाजीत, आर विजय कुमार मलिमथ और 5 और 3, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा 3। सुभाजीत बिल्कुल सही, आर विजय कुमार मलिमथ। ये देखो इतने लोगों को याद है, भैया हमको तो याद नहीं हो रहा है। आप कैसे बोल रहे हैं भैया कि हमको इतना कुछ याद कर लो? हमको याद हो रहा है क्या? हम कब बोले आपको याद करो? आपको जो बोल रहे हैं वो तो करेंगे ना, तब आप देखो आपको हो। आप क्या करो ना, अगर मान लो मैंने आप सभी को एक बात बोला, चलो मान लो मैंने बोला विक्रम नाथ जो है ना ये कहां के मुख्य न्यायाधीश है, तो आप बोलेंगे गुजरात का। अब आप सुन लिए और आगे बढ़ गए, ये सही तरीका नहीं है। आपके हाथ में फोन है, आपके हाथ में उंगली है, टाइप करो एक बार, ये याद रहेगा, ये हरकत याद रहेगा। गर्लफ्रेंड को मैसेज कर सकते हो, लेकिन अपने भविष्य के लिए कम से कम टाइप करो ताकि आगे निकल कर आएगा रिजल्ट। इसका आंसर बोलिए, थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से, यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन थाईलैंड किसे अपॉइंटेड किया गया? गीता राजपूत, नंदनी सिंह, रिया दमिजा या गीता आपका सबरवाल। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट। बहुत बढ़िया, 26/11 आदित्य यहां का, बिल्कुल आंसर क्या क्या होगा? गीता सबरवाल। अगला 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, और टाइमर कम से कम बनता है इस क्वेश्चन के लिए। चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे सामने? अच्छा, यहां पर क्वेश्चन अलग टाइप हो गया है क्या? अच्छा, एक पेज में आ गया, कोई बात नहीं, ये अगले क्वेश्चन का ये है, इसको अगले क्वेश्चन ले लेंगे। इसका आंसर बोलो आप सभी, ब्रसेल्स में आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार किसने जीता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन का पार्ट है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है नेशनल शूटिंग ट्रायल में जो है वो कौन विजेता रहा है जो त्रिवेंद्रमपुरम में हुआ था? इसका आंसर पहले बोलो आप सभी, इसका आंसर क्या होगा हमारा? सुनील मित्तल, गलती है, गीता मित्तल, जम्मू कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश, प्रताप चौहान। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? त्रिवेंद्रमपुरम में आयोजित नेशनल शूटिंग ट्रायल में कौन विजेता बनकर उभरा है, यह बताना है आप सभी को। जीना खित्ता एंड अयोग्या पोल, अच्छा आयोनिका पॉल और विजय वीर सिंधु, उसके बाद दिया सिद्धू, अपूर्वी चंडेला पॉपुलर है ये तो, उसके बाद अंजुम, उसके बाद मौदगिल, उसके बाद आपका दिया गया अयोनिका पॉल और विजय वीर सिंधु। अरे बाप रे, ये बी और डी ऑप्शन सेम लग रहा है, आप सभी का आंसर क्या आ रहा है? क्योंकि बी और सी ऑप्शन सेम है। चलो, इसका आंसर क्या होगा हमारा? बिल्कुल, जो भी बोलो, ऑप्शन नंबर बी बोलिए या ऑप्शन नंबर डी बोलिए, दोनों आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तुषार कांजीलाल जिनका निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, राइटर थे, प्रोड्यूसर थे, एक्टर थे या सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता? जल्दी से इसका आंसर आप सभी का, इस सब क्वेश्चन के कम से कम टाइमर नहीं दूंगा, इसको फटाफट करते चलना। इसका आंसर क्या होगा आपका? सोशल वर्कर। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए टाइमर तो बनता है, इस क्वेश्चन के लिए टाइमर तो आप सभी का बनता ही बनता है। चलो क्या बोल रहा है, आईसीसी का मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है आईसीसी का? अमित चौहान, नवदीप खोसला, राजवीर सिंह या अनुराग दहिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ये सब क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बबीता भैया मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस नाम गूगल की लड़की अजय मित्तल बता रही है, पागल हो गई है, पी रखी है लड़की आवाज बहुत ज्यादा, मेरे पे भरोसा, गूगल की लड़की ना पी ली है, गूगल गलती बता रहा है। क्या याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम आप संजय यादव, ठीक है, एमपी चीफ जस्टिस। चलो एक बार कंफर्म कर भी लेते हैं, वरना बोलेंगे भैया गूगल की लड़की को आप गलती कैसे बोल सकते हैं, बोले हालांकि बोलेगी तो वही अजय मित्तल, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ कर देता हूं एक बार, मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस। जस्टिस यादव इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आफ्टर इट्स रिटायरमेंट चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल, दैट्स क्लियर। यानी कि अजय कुमार मित्तल के बाद मिस्टर यादव, दैट मीन संजय यादव को नियुक्त किया गया। इसका आंसर क्या होगा? अनुराग दहिया, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इसके लिए टाइमर तो बनता ही बनता है भाई। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, किस संस्था ने चीन से उपन्यास, भैया टाइम बेकार मत करो आंसर बोल दो, कोविड 19 के प्रकोप के बाद अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित की थी, आज तक उभर नहीं पाए हम सभी, आज तक इसके बर्बादी के कगार पर झेल रहे हैं। क्या होगा आपका आंसर? WHO ही तो बताएगा, और कौन बताएगा? चलो भैया इसका आंसर तो आप टाइमर हटा दो, भैया टाइमर का जरूरत नहीं है, WHO सही है, लेकिन भैया ये सभी को आंसर पता है, कुछ एक्स्ट्रा बताओ ना, एक्स्ट्रा सीख लो। इस WHO का गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। WHO का और क्या बताऊं, वो इंसान जिसको देखते ना, मतलब क्या बोलूं, इतना अशुभ है, क्या नाम है उसका, टेड्रस एधनोम, ADHANOM, ये हेड है WHO का, देखते हैं ना इसका चेहरा, देखते मतलब दिमाग घूरने लगता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, IBM के CEO के रूप में किसे चुना गया है? सुदीप कॉक, अनिल ग्रोवर, अरविंद कृष्णा या रवि मौर्य? इस सब क्वेश्चन के लिए टाइमर पक्का बनता है, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर बिल्कुल भाई, अच्छा गलत बताए भैया आप, बिल्कुल गलत बताएं हम, WHO का हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC नहीं, कहां पर है? जेनेवा। मेरे माइंड में एक चीज डाउट आ रहा था कि अमेरिका नहीं है, क्योंकि जब अमेरिका इसका बहिष्कार कर दिया है और अमेरिका में इसका हेड क्वार्टर कैसे हो सकता है। बिल्कुल भाई, क्या होगा इसका आंसर? जेनेवा। इसका आंसर क्या होगा? सुदीप कॉक, अनिल ग्रोवर, अरविंद कृष्णा। सीईओ किसे बनाया गया IBM का? आपका ऑप्शन नंबर सी, अरविंद कृष्णा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी आप सभी के लिए, निम्नलिखित टाइमर बनता है इस क्वेश्चन के लिए कम से कम। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक संरक्षण 2020 के अनुसार भारत के द्वारा शीर्ष निर्यात वस्तु है? चाय उत्पादन, सिल्क साड़ी, आम,
मैंगो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसका आंसर बताना है। टाइमर तो इस क्वेश्चन के लिए बनता ही बनता है। क्या होगा इसका आंसर? जेनेवास, बहुत बढ़िया बिट्टू यादव, पहला आंसर आया है भाई, बिल्कुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगला 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट आप सभी का। यह किताब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये किताब को पहले बंगाली में लिखा गया था, ठीक है, उसके बाद इसको इंग्लिश में सजा दजा कर लाया गया बंगा कलकत्ता नाइट, कोलकाता रातेर नाम था इसका बुक का बंगाली में, शायद कोलकाता रात्रि, ठीक है। इसका नया इस बुक को पब्लिश किया गया कलकत्ता नाइट्स के नाम से। इसके लेखक कौन है? कमलेश सुकेजा, निर्मल मेहता या आपका मधुरा चौधरी या रजत चौधरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है, इस सब बुक्स को देखते चलना आप सभी। आपने कभी सोचा होगा क्या, अभी एसएससी के एग्जाम में आया था ब्रंट सुगर को जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया था, जबकि मैंने करेंट अफेयर में इसी तरह खड़ा रहकर आपको बता रहा था ब्रंट सुगर के लिए एक पुस्तक है ब्रंट सुगर, इसके लिए 2020 का बुकर प्राइज दिया गया है। और मैं जब आपके क्वेश्चन आपको करवा रहा था तो मैं आपको यह भी बताया था बुकर प्राइज से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, देखते चलना। हालांकि पूछा नहीं, क्वेश्चन ये पूछा कि ब्रंट सुगर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, अवनी जोशी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है आपका एसएससी का परसों वाले शिफ्ट में। इसका आंसर बताओ आप सभी क्या होगा, जल्दी से। रजत चौधरी, डी, बिल्कुल आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, रजत चौधरी। अगला 21 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, किस शहर के यातायात प्रबंध में सबसे खराब दर्जा? अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आप सभी पढ़ लीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, यहां पर बोला है सबसे खराब मैनेजमेंट यातायात को लेकर किस शहर का दर्ज किया गया, झरिया, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बेंगलुरु। आपको चार ऑप्शन है, आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्या होगा इसका आंसर? आज जितना मेहनत करोगे कल रंग लाएगा, रातेर कोलकाता, तुषार मंडल। अच्छा, ये नाम था क्या, रातेर कोलकाता। इसका आंसर क्या होगा आप सभी का बताओ, याद रखिएगा मेरा एक बात, आज 2-3 महीना में आप क्या क्या चीज कर रहे हैं अपने जिंदगी को बनाने के लिए। एग्जाम के दिन एक एक चीज को याद रखना, एक टीचर बता रहा था कि पढ़ लो, करेंट अफेयर पूरा रट्टा मार लीजिए, रट्टा छूटना नहीं चाहिए करेंट अफेयर, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, आंसर बोलिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए पहली केले कंटेनर ट्रेन को आंध्र प्रदेश से किस पोर्ट पर भेजा गया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइमर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। चलो आंसर बोलो आप सभी, टाइमर तो बनता है। कर्नाटक, बेंगलोर, इदुरप्पा, अभय श्रीनिवास, ओके बिल्कुल भाई। देखो मैं अगर मैं नहीं भी पूछू ना फिर भी कॉमेंट करते रहना, यह आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, दीपक सेन गुप्ता, बहुत बढ़िया, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी। कहां पड़ता है भैया ये, मुंबई में पड़ता है। आंध्र प्रदेश की बात उठाए ना, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल। आप सभी कमेंट करो, आप सभी कमेंट करते रहो जितने लोग भी देख रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिचंदन। अच्छा, और क्या बताना है, यहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कहां का, आंध्र प्रदेश का, कौन मेरा भाई बताएगा? मेरा नाम जितेंद्र कुमार महेश्वरी, याद रखिएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को लगड़ कर घोट कर पी जाओ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 और 20 के लिए पेन गोरी लंकेश पुरस्कार, अरे क्या घोट कर पीना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है एसएससी का, मार्च के महीने में जो एग्जाम हुआ था ना उस एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है,
क्वेश्चन बन चुका है क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। गौरी लंकेश पेन पेन गौरी लंकेश पुरस्कार किसने जीता है? जर्नलिज्म पत्रकार के लिए राजा मुर्तजा, अतहर खान, मोहम्मद अजीम और यूसुफ जमील। जम्मू एंड कश्मीर में जो 370 धारा लगा था ना, उसके दौरान अच्छे से रिपोर्टिंग करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। नाम क्या था उनका? आंसर यूसुफ। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, यूसुफ जमील। अगला 24 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत की पड़ोसी पहले नीति क्षेत्रीय धारणा पर 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? 12th साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रीजनल पार्टिसिपेशन इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? लखनऊ, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली और चेन्नई। आंसर जमाल भुट्टा। चेन्नई। दीपक बिल्कुल सही भाई, आंसर इसका नई दिल्ली। धीरू भाई नारंग भाई पटेल चीफ जस्टिस है नई दिल्ली का। अनिल बैजल उपराज्यपाल है नई दिल्ली का। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है नई दिल्ली का। ये सब चीज ना बताने वाला नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है स्मृति 9 भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति 9 अभ्यास किस राज्य के बीच में आयोजित किया जाएगा? यानी यह जो अभ्यास है, एक बात याद रखना, एक बात और याद रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट अभ्यास है ना, एक्सरसाइज है ना, जितना भी लिस्ट है, ज्यादा नहीं है ये, आपका कम से कम ना 12-15 से 20 होगा ये। आप एक्सरसाइज का नाम और किस किस देश के बीच में हुआ है वो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछिएगा बहुत बार। एग्जाम में ये एग्जाम का पैटर्न है, एग्जामिनर का ये सब पूछता है। इसका आंसर क्या होगा हमारा बताओ, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। मेघालय, मेघालय के बारे में हर एक जानकारी। 7-3 गलती है मेघालय में, गलती है मेघालय का। लोकसभा सीट 2 राज्यसभा सीट 1 है। कोनराड कोंकाल संगमा यहां के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। बाकी राजधानी, बाकी चीज बहुत बिट्टू सही है। मेघालय के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। जितेंद्र कुमार महेश्वरी ये आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है। सत्यपाल मलिक, नितिन बहुत सही भाई, बहुत सही। सत्यपाल मलिक यहां के मुख्य न्यायाधीश है। और विश्वजीत सोमागर, विश्वनाथ सोमागर यहां के कौन है? यहां के मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अरे यहां पर करवाना है ना, मैं उधर देख रहा हूं। यहां पर क्या बोल रहा है आप सभी को, रेंजर्स एफसी द्वारा साइन किए गए जाने के बाद पेशवर फुटबॉल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? आपको पता है ना इंडिया का स्तर फुटबॉल में बहुत गिरा हुआ है, अगर पुरुषों की कैटेगरी में ही गिरा हुआ है, और महिलाओं की कैटेगरी से अगर कोई महिला अगर फॉरेन खेलने जाती है रेंजर एफसी से, तो बहुत गर्व की बात है। कितनी ब्रिलियंट प्लेयर, कितनी ब्रिलियंट प्लेयर है आप बताओ, उनका नाम क्या है? पहली महिला है जिनको भारत की तरफ से फुटबॉल खेलने के लिए विदेश के क्लब में लिया लेकर गया है। सस्मिता मलिक, बाला देवी, दीप एकता या आपका सुनीता लाकरा? इसका आंसर बताना है आप सभी को, क्या होगा? बाला देवी ऑप्शन नंबर हमारा बी, बिल्कुल। अगला 27 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा 2020 राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर के रूप में किसे नामित किया गया है? अच्छा, हर एक गेम का मैस्कॉट होता है, आपने देखा होगा ना, तो गोवा में जो नेशनल गेम हुआ था उसका मैस्कॉट क्या है आप सभी का? एक पंछी है, उस पंछी का नाम क्या है आपका, याद रखिएगा, रूबी गुल्ला, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला
अजमल सुल्तानपुरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, क्रिकेटर, एक्टर, राइटर और पोएट। सुल्तानपुरी बोल रहा है तो आंसर तो बोल ही दोगे आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, ये तो मैं सियोर हूं। सुल्तानपुरी, अजमल सुल्तानपुरी नाम से झलक रहा है भैया, एक कवि है, एक शायर है, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टाइम दूंगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो टाइम बनता ही बनता है। आंसर, नए सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन मेहता, के वी कामत, प्रणब दास या एम अजीत कुमार? पाना जी 2-1, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, प्रीति पंडोल बिल्कुल सही, और दीपंकर दत्ता भी जोड़ लीजिएगा वहां के मुख्य न्यायाधीश है बॉम्बे हाईकोर्ट का, जहां पर मामला जो है वो साझा किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम अजीत कुमार। सर एक डाउट क्लियर कैसे करें, क्योंकि आप कमेंट का रिप्लाई तो देते नहीं, बोलो एक बार, यहीं पर देख रहे हैं, एम अजीत कुमार। 30 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में 8वां पुरुष का खिताब किसने जीता है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आंसर दो, एक बार ना टाइमर नहीं चल रहा है ना, एक बार इस क्वेश्चन का चलो एक बार, ये क्वेश्चन आगे चला गया क्या, एक क्वेश्चन आगे बढ़ गया, इसका आंसर दो पहले आप सभी। फरीदाबाद में 34वां सूरज कुंड मेला का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर है ये, रामनाथ कोविंद, हमारे देश के सबसे शांत राष्ट्रपति है ये, स्मृति ईरानी, ये मैडम क्या है, कपड़ा उद्योग है भैया इनके पास, अच्छा, प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण, ठीक है ये छोड़ो। आप बताओ इस मेले का जो 34वां सूरजकुंड मेला हुआ था फरीदाबाद में, इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन 31 नंबर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ऑस्ट्रेलिया ओपन में 8वां पुरुष एंकल खिताब किसने जीता है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, आप एक काम करना, जब आप एनटीपीसी का, मैं तो दूंगा ही दूंगा नोट्स, आप टेंशन मत लो भैया, आप ही दे देना ना, दे दूंगा, टेंशन मत लो, बता रहा हूं, आप ये लिख कर रखना, अगर मैं भूल जाऊं तो आप सभी याद दिलाइएगा कि भैया आप भूल गए हो, आप बताओ जितने भी इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट है ना, उसका लिस्ट तैयार कर लेना, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है, जितने भी होते हैं वो सारा लिस्ट देख लेना, ठीक है, उसमें मेंस के कैटेगरी में कौन जीता है और महिलाओं के कैटेगरी में कौन जीता है, ये दो लिस्ट आप देख लेना एग्जाम से पहले, गेम्स को लेकर ये आपको याद रखना है टेनिस, और दूसरा का याद रखना है जितने भी गेम्स है वो करंट अफेयर में कवर हो रहे हैं, उसको लेकर टेंशन मत लो, लेकिन अलग से आप टेनिस देखना, और आप अलग से क्या देखना, फॉर्मूला वन, ये जो आपका कार रेसिंग गेम है, ये भी एक साल में 9 से 10 ही कार रेसिंग होता है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, या फिर बोल सकते ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, रशियन ग्रैंड प्रिक्स, ये 8 से 10 होता है, और इसके विजेता गिना चुना 4-5 है, कभी वो जीते कभी वो जीतेगा, तो दो चीज आपको खेल में याद रखना, एक तो टेनिस, एक फॉर्मूला वन, और एक लिख लो आईपीएल, ये जो आईपीएल हो रहा है ना, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है एग्जाम से पहले, इसका आंसर क्या होगा बताओ? बिल्कुल नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर हमारा बी, साइबेरिया कहें ये। अगला 32 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, आरबीआई मुद्रा चेस्ट के लिए देश की पहली विशेष सुरक्षा टीम किस राज्य में बनाई गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला और बिहार। अभी तक मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए, टाइम कितना हो रहा है, टाइम बहुत ज्यादा निकल रहा है, भैया ग्रुप डी वाले भी करे क्या? ग्रुप डी वाले जो एनटीपीसी का मैथ है, जो एनटीपीसी का रीजनिंग है, जो एनटीपीसी का जीके जीएस करंट अफेयर है, वो ग्रुप डी वाले भी करेंगे,
ग्रुप डी वाले बस अलग से क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये आपको अलग से पढ़ना है, बाकी हर एक चीज एक जैसा पढ़ना है। इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर आ भी रहा होगा आपका, बिहार आ रहा है ना, एमपी नहीं होगा, आंसर बिहार होगा। बिहार में लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट आपका 16। बिहार के मुख्य न्यायाधीश का नाम संजय करोल, राज्यपाल फगु चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, आंसर आपका डी। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा लेक्चर सुन लो मेरा। थोड़ा सा लेक्चर सुन लीजिए, बिहार में चुनाव है, अरे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ये सब चीज भी जाना चाहिए। बिहार में चुनाव है, ठीक है, आपको एक बात पता है, अगर 5 लाख रुपए रोड के लिए पास होता है, आपको पता है कि नहीं पता है, बहुत जन को नहीं पता होगा, पूछ लीजिएगा, और पूरा ईमानदारी से बोल रहा हूं, 101% बात सही बोल रहे हैं, 101% पता कर लीजिए, सिर्फ बिहार में नहीं बहुत जगह, बिहार में तो होता ही होता है। अगर रोड बनाने के लिए 5 लाख पास हुआ ना, मान लो ये रोड है, ये रोड पूरा गड्ढा है, ऐसे गड्ढा है पब्लिक के लिए, गड्ढा है, अब ये 5 लाख रुपया कहां के लिए पास हुआ, रोड के लिए, ठीक है। अब ये 5 लाख रुपया चला, चलने के बाद कहां पहुंचेगा, पहले जेई के पास पहुंचेगा, जेई भैया जूनियर इंजीनियर, उसके पास पहुंचेगा। अब ये बोलेगा बाबू पहले 10% हमको दो, देना पड़ेगा तब वो काम होगा, ठीक। अब एक बोलता है भैया यहां का ना जो एमएलए है ना वो भी मांग रहा 20%, देना पड़ेगा, देना पड़ता है, ठीक है। अब जो ठीका लेगा वो भी 10% लेगा, अच्छा ये पूरा सही बता रहा हूं, 20%, 10%, 10%, आप पूछ लेना, पूरा ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं सच्चाई। 40% चला गया, उड़ गया जनता का पैसा, अच्छा यहां 2 लाख चला गया, अब जनता के पास कितना पहुंचा, 3 लाख। बनाना था 9 इंची मोटा रोड, बन गया 6 इंची, ये सच्चाई है। तो ये सब ना विधायक जो वोट मांगने आ रहे हैं ना, पूछना आप सभी कि ऐसा बात सही है क्या, ये सब पूछिएगा। मेरे भैया बताए थे, पढ़ाते यूट्यूब के ऊपर, वो बोलेगा बेटा ये नया नया ज्ञान कौन बांट रहा है, पब्लिक को भड़का रहा है, और सही में भड़का रहा है। इसका आंसर बोलो आप सभी, पूछ लीजिएगा, बहुत सही बात बताए हैं, इसका आंसर बोलो। टाइमर अप आपका। किस राज्य सरकार ने पेंशन वितरण योजना शुरू की है, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्राइवेट हो पब्लिक हो पेंशन दिया जाएगा, आंसर केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बहुत लोगों को मेरी बात खराब लग सकती है, बोर्ड का कलर क्या चेंज करें, क्लियर दिख रहा है ना, बोर्ड का कलर चेंज करें, बोर्ड का कलर अब क्लियर दिख रहा है, ये बैकग्राउंड व्हाइट है, कोई नहीं, चलो इसी पर पढ़ाते हैं, ठीक ही लग रहा है ये भी। इसका आंसर क्या होगा, किस राज्य सरकार ने पेंशन वितरण योजना शुरू किया, क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट आपका कितना है, तो आंध्र प्रदेश में 25, 11। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम बता चुके हैं, बिश्वभूषण हरिचंदन, जगन मोहन रेड्डी, और यहां के मुख्य न्यायाधीश का नाम जितेंद्र कुमार महेश्वरी, याद करवा दिए हैं। ये सब पॉइंट ना एग्जाम में बनेगा आप सभी का। अगला 34 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, आंसर बोलिए आप सभी। एससीसी का 2020 का एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, मार्च के महीने में जो एग्जाम हुआ था, काला पर्व, काला घोड़ा जो एक त्योहार है, वो किस राज्य में बंद कर दिया गया है, बेंगलुरु, चेन्नई, गोवा और मुंबई, एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला। इसका आंसर क्या होगा हमारा, बताइए भाई, बहुत सही, सभी कमेंट करो भैया, हमको याद नहीं हो रहा, याद करने के लिए बोले भी नहीं है, मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। मुंबई में लोकसभा 48, राज्यसभा 19, भैया याद नहीं हो रहा है, टाइप करो आप, टाइप करो, याद नहीं हो रहा है तो देखो मैं टाइप कर रहा हूं, मैं पहली बार क्लास देख रहा हूं, भैया बताएं 48,
अच्छा मुंबई में 48 है और 19 है, कहाँ पर? तो MBA मुंबई में, 48 और 19 मुंबई में लिख दिए। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या यहां पर, मुझे टाइप करने जब टाइप किया ना, दिमाग में जोर पड़ा, अब मेरा हाथ आंख दिमाग सब चल रहा है, यानी ध्यान बहुत ज्यादा इस पर है। तो ऐसे करो कम से कम, दीपंकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश है बॉम्बे हाई कोर्ट का, भगत सिंह कोश्यारी यहां के क्या है, यहां के भैया राज्यपाल है, और एक बात, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। 35 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? अली जौदात अल अयूब, जफर अल असकर, अयूद अलवानी और मोहम्मद तौफिक अलवानी। इराक के बारे में, इराक का प्रधानमंत्री तो बता दोगे, मुद्रा और राजधानी आप सभी का जिम्मेवारी ये बताना है, कौन बताएगा इसका आंसर? टाइमर देते हैं, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इराक के बारे में 48 और 19, बिल्कुल वेंकटेश भाई, कमेंट करो, कमेंट करोगे कमांड बनेगा। भगत सिंह कोश्यारी, विक्रम, बहुत सही भाई। सर सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है, बताए तो थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, बगदाद और रियाद। ये रियाद कौन बोल रहा है, गलती है। सुभाजीत एक बात देखो भाई, आप तो बोले तो सही हो, लेकिन यहां पर इराक है, ईरान का थैरान अतोमान है बगदाद, यहां का राजधानी। भाई गलती बोल रहे हैं आप सभी, एक भाई मेरा सही बोला है, राजा हिंदुस्तानी, बिल्कुल सही भाई, बगदाद, और यहां का मुद्रा क्या है आपका, रियाल। राजा हिंदुस्तानी का आंसर बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, ए शंकर नारायण हाल ही में किस बैंक से रिटायरमेंट हुए हैं, जो एमडी और सीईओ थे? सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। फटाफट करवाते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एक बजा दें। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, कैनरा बैंक। अगला क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, मातृभूमि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक किताब है ये, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? चलो, हु हैज बैग्ड द फर्स्ट मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड? अमित सिंह, रीना मेहता, नीलेश अग्रवाल या विनोद शुक्ला? जल्दी से, 500 कितना क्वेश्चन है, 512 नंबर क्वेश्चन नहीं है हमारा, इराक के बारे में। अच्छा इराक के बारे में मैंने बताया नहीं क्या, पूरा दिमाग गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट्स देखना भी जरूरी है क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार देख लो, मैं बताना भूल गया था, मोहम्मद तौफिक अलवी। अगला 36 हो गया, 37 हो गया था ना, 37 क्वेश्चन बाकी है। ये किसको दिया गया है आपका, अमित सिंह, रीना मेहता, नीलेश अग्रवाल, विनोद शुक्ला को, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, इसरो कम लागत वाली उपग्रह प्रक्षेपण यान यात्रा कर रहा है जिसे कितने किलोग्राम वजन की कक्ष में रखा जा सकता है? इसरो का गठन कब हुआ था आपका, 1969 को। के सिवन यहां के क्या है, यहां के चीफ है। हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में है, जो आपका कर्नाटका में पड़ता है, ये सब याद रखना। अब बताओ इसका आंसर आप सभी जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बता दिया है, भूल गया था मैं आंसर ही देना उसका। ठीक है, इसका आंसर बोलो आप सभी, 500 किलोमीटर 250 नहीं होगा इसका आंसर, जो भी 500 बोल रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है।
बिल्कुल उसका आंसर देना भूल गया था, इसका आंसर बोलो। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया है? अच्छा, किशोर कुमार, वही अमिताभ की आवाज में राजेश खन्ना को बहुत सारा गाना दिए, वही किशोर कुमार, फॉर एवर। किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा? वहीदा रहमान, एक्ट्रेस, अभी ये जिंदा है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी बता देते हैं, 29/11 है, याद करवा रहे हैं आज, देखो आज ना दो तीन बार बता चुके हैं, आपको याद हो रहा है क्या? 29/11 है, लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11। संजय यादव यहां के कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। मामा जी शिवराज सिंह चौहान SSC, मुख्यमंत्री भोपाल राजधानी, और आनंदीबेन पटेल यहां की राज्यपाल। अगला, 40 सितंबर को श्रीलंका में भारत उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका का प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षा। कौन है मुख्यमंत्री? भैया प्रधानमंत्री बोलो, गलती से बोल रहे हो बिल्कुल। आंसर क्या होगा? महिंदा राजापक्षा। ये कौन है श्रीलंका के प्रधानमंत्री? इनके चचेरे भाई गोटाबाया राजापक्षा यहां के राष्ट्रपति हैं। श्री जयवर्धने पूरे कोटे राजधानी है श्रीलंका का। श्रीलंकन रूपीस यहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा आप सभी का? गोपाल बागले, रेशमा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर हमारा सी। 41 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किस जलवायु कार्यकर्ता को नामित किया गया है? भैया आप एक चीज बता नहीं रहे हो दो तीन दिन से, नोबेल प्राइज डिक्लेयर कर दिया गया है, जानकारी दे दो मुझे ट्रिक के साथ। बिल्कुल भाई, भूल कैसे सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम रेलवे, नोबेल पुरस्कार पढ़ना है, ये जारी कर दिया गया है। मैं करेंट अफेयर में भी चाहूं तो कवर करवा सकता हूं सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में, लेकिन जान मुझ कर नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, इस टॉपिक को मैं अलग से कराऊंगा, पूरा सेपरेट, ठीक है, आएगा एग्जाम में। इसका आंसर बोलो क्या होगा आपका? ग्रेटा थनबर्ग, बहुत पॉपुलर नाम है, आंख बंद कर कर मारना। 42 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने फसलों को नष्ट करने वाले टिड्डियों को राष्ट्र आपातकाल घोषित किया है? टिड्डी हम लोग बचपन में बोलते थे सुग्गा, बिहार में, पाकिस्तान से आया था ऑप्शन नंबर आपका बी, और इंडिया में भी बहुत इसका तादाद बढ़ गया था, और इंडिया की मीडिया बोल रही थी पाकिस्तान आतंकवादी के रूप में टिड्डियां भेज रहे हैं। उनका अलग चाल है, उनका दिमाग अलग काम करता है। 43 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश से वायु जनित कारणों से सभी प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कपड़े और मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये सब क्वेश्चन तो हंसते खेलते बोल देना अगर आप दिल से पढ़ रहे हो तो। आप सभी को पता है ना, जो मास्क जो है वो इंडिया बहुत ज्यादा क्या करता था, बाहर भेज रहा था, तो सरकार को लगा कि भाई मास्क इतना ज्यादा भेजा जा रहा है, कपड़े भेजा जा रहा है, इसके ऊपर बैन लगाओ। इसने किया था वियतनाम, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका आंसर बोलो आप सभी, आंसर बोल दिए क्या मुंह ही मुंह में? महिंदा राजा बच्चे नहीं, प्रीति बक्से, सही है। आंसर वियतनाम आ रहा है, काट देना, आंसर क्या होगा हमारा? इंडिया। 44 नंबर क्वेश्चन, फिंच, ये क्वेश्चन को आप सभी काट दो। टाटा बाय, इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है भैया? जीडीपी का हमेशा चेंज हुआ है, कोविड 19 के बाद हर एक एजेंसी जो है वो अपना डाटा चेंज किए। ये डाटा फरवरी के महीने का है, मैं फ्रेश डाटा कराऊंगा जीडीपी का, जितने भी एजेंसी के द्वारा अनुमान लगाया गया है ये मैं डाटा कराऊंगा, इसको आप छोड़ देना। 45 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने अवैध बिक्री की जांच के लिए ऑनलाइन लॉटरी योजना की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है?
यानी अब जितने भी ऑनलाइन लॉटरी होता है ना उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? फटाफट इतनी देर में तो आंसर बनता है आप सभी का। टाइमर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, आसाम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब। आंसर, तीन दिन में फरवरी पूरा रिवीजन करवा दूंगा, बस आपको रात को ना 40 से 45 मिनट का टाइम। क्या बात कर रहे हो भैया, एक घंटा टाइम दे चुके हैं, वो दिख रहा है। पंजाब, बिल्कुल, पंजाब में लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 4। बीपी सिंह बदनोरे यहां के राज्यपाल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां के मुख्यमंत्री है, रविशंकर झा यहां के मुख्य न्यायाधीश है। ये सब चीज ना रट्टा मार लेना, रट्टा। एक भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना और आप एक भी क्वेश्चन गलती कर कर आ गए तो ये सारा का सारा जिम्मेवारी आपका होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीक महोत्सव जिसका नाम क्या है, अतः प्रज्ञा, 2020 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटका? आंसर आप सभी का, टाइमर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। तेलंगाना, फटाफट फटाफट। रविशंकर झा, कमेंट करो, बिल्कुल भाई। प्रतिभा कुमारी, बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही बोले। बीपी सिंह वनमोरे नहीं है, बीपी सिंह बदनोरे हैं। अगर आप भनमोरे भी बोल रही है ना, अगर आप ये भी बोल रही है ना, मैं फिर भी बोलूंगा आप बहुत सही बोल रही है। क्यों भैया आप, मैं तो गलत बोल रही हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन रहेगा। अगर आपको पता है बीपी सिंह बदनोरे है, अगर एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि आप सभी के साथ बीपी सिंह भदनोरे, फिर बोलेगा बीपी सिंह कनकोरे, फिर बोलेगा बीपी सिंह सनकोरे, अरे ये सब एग्जामिनर नहीं करेगा। ठीक है, मार दीजिएगा, सही है, ये नहीं बोलूंगा रट्टा ही मारना है, ऑप्शन रहेगा एग्जाम में। इसका आंसर बोलो क्या होगा, तेलंगाना, बिल्कुल सही। तेलंगाना का लोकसभा सीट 17, 7 राज्यसभा सीट। आप कमेंट में लिखो ये वाला चीज, तेलंगाना का लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 7, 17 और 7। रघुवेंद्र सिंह चौहान यहां के मुख्य न्यायाधीश हैं। तमिल साई साउंडर राजन, ये आर ए आर है इनके नाम में। चंद्रशेखर राव यहां के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा, राज्यसभा, मुंह के ऊपर एकदम। 47 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने। भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फटाफट, किरण रिजिजू खेल मंत्री है ये, राव इंद्रजीत सिंह, दीपा मलिक रेसलर है, नरेंद्र बत्रा, फटाफट क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। फटाफट थोड़ा आप लोग भी टाइम दो, फटाफट करो क्योंकि आंसर बहुत, क्वेश्चन बहुत लंबा है। बीबी अब बोलोगे भैया जियो का नेट खत्म हो गया हमारा, बिल्कुल सही है, दीपा मलिक रेसलर। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, अरे बाप रे 48 नंबर क्वेश्चन को बड़ा नहीं किए क्या, चलो और बहुत बड़ा कर दिए। किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैनरा बैंक का एमडी और किसे नियुक्त किया गया है? एलबी प्रभाकर, लिंगम, वेंकटेश प्रभाकर, एमडी और सीईओ कैनरा बैंक का। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है भाई, इसका आंसर बोलना है। सातवां छोटा उद्योग लघु उद्योग एक्सीलेंस अवार्ड फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड 2019 को किसे दिया गया है? एमएसएमई एक्सीलेंस अवार्ड फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड 2019 किसे दिया गया है? एशियन पेंट्स, अमूल, मिका, मैक्स हॉस्पिटल या नेरोलैक? पेंट क्या होगा? अमूल मिका, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। किस राज्य की सरकार ने PMMVY के कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त किया? ये सब क्वेश्चन के टाइम भी बनता है आप सभी को देना।
इसको आगे नहीं बढ़ सकते। टाइमर चलो इसका आंसर आप सभी दो क्या होगा, प्रधानमंत्री मंत्रु वंदना योजना मटरू। देखो ये स्पीड सही है, जहां मुझे लगेगा ना, देखो जहां मुझे लगेगा कि स्पीड कम करना है मैं कम पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे मुझे लगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा आहिस्ता पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बोलो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये जो योजना किसके लिए है, महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिला है, जो महिला काम करती है उनके लिए योजना है। ठीक है, ताकि उनका अच्छा देखभाल हो सके, पैसा दिया जा सके, काम दिया जा सके, यही सब चीज होता है। ठीक है, योजना में यह इस योजना के तहत किस राज्य ने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल सही, रट्टा मार लिया आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में चौथी बार बता रहा हूं, अभी भी याद नहीं हुआ है, मतलब आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हो। 29/11 संजय यादव यहां के मुख्य न्यायाधीश, मामा जी शिवराज सिंह चौहान SSC। अच्छा, और क्या है आपका, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल। 51 नंबर क्वेश्चन, 3000 मील की यात्रा पूरी करके अटलांटिक महासागर के पार जाने वाली पहले वधिर व्यक्ति कौन बन गए हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। डीप पर्सन, डीप मतलब क्या होता है, जो थोड़ा कम सुनते हैं, कल ही बताए थे सुबह 4:30 बजे वाले करंट अफेयर क्वेश्चन में। ये पहले अच्छा इस क्वेश्चन के लिए टाइम बनता है, कम से कम ये सब क्वेश्चन के लिए टाइम बनता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आजीवन जीवित रहेगा। 3000 मील की यात्रा पूरी करके अटलांटिक महासागर के पार करने वाले पहले वधिर व्यक्ति कौन बन गए, ये आपको बताना है। रॉ पैक्स्टन, माइक मेंडे, राइन वाट्स या एमओ ब्रायन, आंसर क्या होगा बताइए। जीएस किंग, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी एमओ ब्रायन। देख रहे हैं ना, 462 लोग पर आ गए 550 से, 90 लोगों को लगा बहुत पढ़ लिए हैं, चलते हैं 1 घंटा पढ़ लेते हैं। यार एग्जाम के टाइम तो मैं 4-4 घंटा पढ़ाऊंगा रात को, फिर क्या करेंगे आप सभी। हालांकि मैं पहले बता दूंगा शेड्यूल एग्जाम से ना, ये जितने भी करंट अफेयर करवा रहा हूं ये आपको करवाऊंगा एग्जाम से पहले, मेरे तरफ से 520 क्वेश्चन भी कराऊंगा, और वो 1 या 2 रात में पूरा खत्म करूंगा एग्जाम से ठीक 3-4 दिन पहले। भैया आप वही पढ़कर जाएंगे, नहीं मैं जुआ, मैं चांस नहीं ले सकता, इसीलिए पूरा करवा रहा हूं, वो तो अपने तरफ से करवा दे रहा हूं ताकि वो भी आप पढ़ लेना। ठीक है, इसका आंसर बोलो क्या होगा। नासा 1958 में गठन हुआ था, जिम ब्रैंडस्टाइन, और इसका हेडक्वार्टर आपका Washington DC अमेरिका में। नासा ने 16 साल की सेवा के बाद किस दूरबीन का विघटन किया है आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी स्पिटिजर स्पेस टेलीस्कोप। 53 नंबर क्वेश्चन, वर्ष के पुरस्कार के उद्घाटन BBC स्पोर्ट्स वोमेन के लिए किसे नामित किया गया, साक्षी मलिक, दीबा मलिक, सानिया नेहवाल या मैरी कॉम। बॉक्सर है ये, सानिया नेहवाल क्या खेलती है, रैकेट खेलती है। उसके बाद ये दोनों क्या है, ये दोनों रेसलर है। क्या होगा आंसर आप सभी का फटाफट। बाप रे बाप, गलती आंसर इतना ज्यादा। इसका आंसर ये था, काट दीजिएगा, इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है, कमेंट्स आ रहा है डी। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा इसका, मैरी कॉम, तुषार मंडल, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर डी मैरी कॉम। 54 नंबर क्वेश्चन, यहां पर क्या बोल रहा है, लॉरेंस स्पोर्ट्स एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है SSC का 2020 का। ये जो मार्च के महीने में 3 दिन क्लास हुआ था ना, 3 दिन एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरे नोट से पढ़ा था। अवार्ड्स के लिए किसे जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया था, सचिन तेंदुलकर को, एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, 2020 का विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या, चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं, SSC के एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है आप सभी का। कब बना था भैया बताओ ना, अरे 1-2 दिन पहले आपसे पूछा गया था वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं, मैंने कितना बार बोला था 4 फरवरी को मनाया जाता है। देख रहे हो क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है।
और इस बार का विषय क्या था 2020 का वर्ल्ड कैंसर डे? कोई मेरा भाई बता पाएगा इसका आंसर? विराट नहीं सचिन होगा, इसका आंसर कौन बताएगा पहले? तुषार मंडल भाई क्या बात है, आई एम एन आई विल, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर हमारा डी। वर्ल्ड कैंसर डे का थीम था जो 4 फरवरी को मनाते हैं, इस बार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। 56 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, सरकार ने जनता के लिए उद्यान खोलने का फैसला किया है और यह 5 फरवरी से 8 मार्च तक खुला रहेगा, कहां पर? नई दिल्ली में। बताओ क्या नाम है प्रेसिडेंट? सनफ्लावर रोज हर्बल, ऑप्शन नंबर डी हर्बल, और आपका मुगल दो, ठीक है ये दोनों याद रखिएगा। द गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू ओपन गार्डन, दो गार्डन खोला जाएगा, कौन कौन सा गार्डन? तो हर्बल गार्डन और आपका मुगल गार्डन, दोनों का नाम याद रखिएगा नई दिल्ली में। अगला 57 नंबर, किस राज्य की सरकार ने एनसीआरबी जो डाटा तैयार करती है कि कहां पर कितना क्राइम हुआ है, कितना रोड एक्सीडेंट हुआ है, के अनुसार सबसे अधिक लापता महिलाओं की संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? कर्नाटका, केरला, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। फटाफट आंसर, बिल्कुल आप सभी कमेंट्स देते रहना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप, मैं रुक रहा हूं तो आप भी रुक जाओ। हर्बल और मुगल एवरीडे, बहुत सही भाई इसका आंसर दीपक, बिल्कुल सही हर्बल, इसका आंसर बोलो आप सभी। पहला कमेंट आया है किसका इस क्वेश्चन का? दीपक सेन गुप्ता, दीप रॉक, दोनों का आंसर आया है। आंसर क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा लापता महिलाओं की संख्या कहां पर दर्ज की गई है एनसीआरबी के रिपोर्ट के द्वारा? तो महाराष्ट्र, ठीक है याद रहेगा ना क्या? अच्छा, आज के डेट में देश में सबसे ज्यादा महिलाओं को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। हाल ही में एनसीईआरटी का डाटा रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न अत्याचार महिलाओं के साथ किस शहर में होता है? तो याद रखिएगा, बहुत करेंट का क्वेश्चन है ये वाला, दिल्ली में, ये आपका सिटीज में याद रखिएगा, किस शहर में। अच्छा, अगर राज्य अगर यहीं पर बोल देना तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये दोनों याद रखना, ये हाल ही में करंट का क्वेश्चन बता रहा हूं, एक हफ्ता के लगभग का ये क्वेश्चन। एनसीआरबी के द्वारा हाल ही की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, रेप जितने भी होते हैं वो सबसे ज्यादा किस शहर में? नई दिल्ली में। राज्य, तो राज्य उत्तर प्रदेश। अगला 58 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के सबदाना राजदूत के रूप में, अच्छा यहां पर गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? टोक्यो ओलंपिक जो स्थगित नहीं हुआ था, स्थगित हो गया था, दोबारा 2021 में होगा ये ओलंपिक, भारत के तरफ से गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया था? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है आपका? सौरव गांगुली को, दादा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। 59 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, कोसोवा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रामोस हर्दिनाश, आयशा मुस्तफा, कद्री वैसेली, अल्विन कुर्ती। आंसर, चलो उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा, यह शिकायत नहीं होगा भैया क्वेश्चन आज क्लियर नहीं दिख रहा है, और कितना बड़ा करूं बोलो, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन भैया, बहुत साफ दिख रहा है भैया, दिख रहा है क्वेश्चन, आंसर क्या होगा इसका जल्दी से? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? अल्विन कुर्ती। फटाफट 3 दिन के अंदर फरवरी खत्म करूंगा और टारगेट बनाकर चल रहा हूं 4 दिन के अंदर मार्च, 4 दिन के अंदर अप्रैल, भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, फिर आप बोलोगे भैया आप बोले थे इस महीने में सब नहीं करना है। वर्ष का एशिया प्रशांत केंद्रीय बैंकर किसने जीता है? अच्छा यहां पर बोला है एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को, ऑप्शन नंबर हमारा बी। आप सभी को बता दूं कब क्वेश्चन क्या आ जाए पता नहीं है, इसीलिए मैं ये सब चीज बताता रहता हूं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। अगर एग्जाम में आप सभी से पूछे ना, अगर आप सभी से एग्जाम में पूछे
अगर आप सभी से एग्जाम में पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं तो आप बोलिएगा 6। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर कितना होता है? 4। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बता रहे हैं। अगला 61 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, देखा सबसे बागवानी मेला किस शहर में आयोजित किया जाएगा? द कंट्री बिगेस्ट हॉर्टिकल्चर फेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, सब एग्जाम में डायरेक्ट छपा छपाया मिलेगा। देश का सबसे बड़ा बागवानी मेला किस शहर में आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु और चेन्नई। टाइमर, इस क्वेश्चन के लिए टाइमर आप सभी के लिए बनता है कम से कम, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या होगा आंसर इसका? नींद लग रहा है क्या आप सभी को? देखो मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, पता है आप सभी को। और सोचो इसके बाद जाऊंगा फिर, अभी आप सभी का क्या होगा, फिर करंट अफेयर रेडी होगा। सोचो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, आप सभी को नींद लग रहा है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? गुरुग्राम, हरियाणा, नई दिल्ली। मुझे भी डाउट लग रहा है, एक बार ना गूगल से पूछ लेते हैं। बेंगलुरु लग रहा है। द कंट्री बिगेस्ट हॉर्टिकल्चर फेयर विल बी हेल्ड इन व्हिच सिटी? बिल्कुल जो सोच रहे थे वही आंसर होगा इसका, क्या? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी। आपका क्या होगा? सी, नई दिल्ली आंसर। जो भी बोल रहे हैं गलती बोल रहे हैं, इसको इनका मुंह काला कर दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला, 2019 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया को कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, ये आपको बताना है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, नुकसान तो बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन को आप भूल जाना, याद मत रखना, क्योंकि एग्जाम में अब क्वेश्चन ये बनेगा नहीं, ठीक है? अगर बनेगा तो अभी ये डाटा पूरा एक निकल कर आया नहीं है। फरवरी के महीना में बताया जाता 232-258, फिर बड़ा लास्ट में 360 मिलियन तक चला गया, ठीक है? तो इसको आप भूल जाना, जब फ्रेश डाटा आएगा, क्योंकि नुकसान तो अब बहुत ज्यादा हो चुका है ना, इसको छोड़ देना आप सभी। 63 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, 63, किस कंपनी को इजरायली कंपनी के साथ 1970 यूवी बनाने का जो है आदेश मिला है? चलो, इसरो, HAL, वेल, या आपका बेल, BEL। अच्छा एक बात और, इजराइल का राजधानी जेरूसलम, इजराइल का मुद्रा इजराइली सकील, बेंजामिन नेतन्याहू, यहां के प्रधानमंत्री कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। अब बताओ किसको मिला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को, क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसने 3 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक जीता है? स्वाति सिंह, मीराबाई चानू, संतोष मस्ता या संजीत चानू? इसका आंसर क्या होगा? ये सब क्वेश्चन में कम से कम आंसर बनता है आप सभी का, बहुत चर्चा में नाम रहा था ये वाला, आप सभी जानते भी होंगे, तुक्का भी मार सकते हो। बिल्कुल सुभाजीत, बेंजामिन, इस सब क्वेश्चन को ना तुक्का मार सकते हो अगर ठीक से पढ़े हैं तो। कितना नाम चर्चा में रहा था मीराबाई चानू का, बताओ? ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? देखो चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिख रहा है, थोड़ा सा भी क्रिकेट का अगर आप जानकार हो तो आप बोल दोगे भैया महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं, मुंबई के लिए वासिम जाफर, खेलते खेलते बूढ़ा हो चुके हैं। अगला 66 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में निधन होने वाले डैनियल आर्थ मोई किस देश के राष्ट्रपति थे? सूडान, जमेबिया, नाइजेरिया और आपका केनिया। फटाफट, और अभी आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। केनिया का राजधानी क्या है? आपका नैरोबी। केनिया में मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? केनियन शिलिंग। केनिया के प्रेसिडेंट का नाम कौन बता सकता है मुझे कमेंट्स में? केनिया के प्रेसिडेंट का नाम कोई बता पाएगा? पंकज कुमार, बहुत सही भाई, केनिया आंसर होगा, वो मुझे भी दिख रहा है, सही है। एक कमेंट्स नहीं आया है इसको लेकर, एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी यार, एक घंटा क्लास दे दिए, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है।
नैरोबी सही है। पहला कमेंट कौन देगा? नहीं आ रहा है, चलो बता दे रहे हैं। UHURE उहुरु केन्याटा, इनके देश के नाम में ही इनका नाम छुपा हुआ है। कोई नहीं, सचिन का एक कमेंट आया था, जयदेव का कमेंट आया है, दो कमेंट आया है। उहुरु केन्याटा यहां के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अरे यार किस देश ने 2035 से नई पेट्रोल कार बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूके। आंसर फटाफट, प्रेम बिल्कुल सही आंसर है भाई। आंसर फटाफट, यूके, जर्मनी। आंसर आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री का नाम बोरिस जॉनसन। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, राजधानी लंदन। 68 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ, पेंशन फंड नियामक के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, होल टाइम मेंबर ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटर किसे नियुक्त किया गया, बताइए आंसर इसका। प्रमोद कुमार सिंह, रवि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सरकार ने अगले पांच वर्ष में रक्षा निर्यात के लिए कितने बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है? ये सब क्वेश्चन रट्टा मार लेना, $5 बिलियन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला 70 नंबर, और चार पांच क्वेश्चन है, फटाफट करवा देते हैं। यहां पर क्या बोला, सरकार ने किस न्यायिक और नियामक नियंत्रण में सहकारी बैंकों को लाने का निर्णय लिया है? बताओ फटाफट, कितना टाइम हो गया, बाप रे 12:50, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। क्या होगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला 71, नए कार्यान्वित स्फूर्ति योजना का उद्देश्य क्या है आपको बताना है? ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बोलो आप सभी। अच्छा, इसके पहले वाला आंसर क्या बताया मैंने? हाँ, ये गलती बताया मैंने आपका, क्या होगा आंसर इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी यार, इसका आंसर क्या होगा एक बार देख लो आप सभी, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है उसको किसके अंडर लाने की कोशिश किया जा रहा है? रेगुलेटरी कंट्रोल बोर्ड के लिए, और रेगुलेटरी कंट्रोल बॉडी के अंदर किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये भूल जाना, मैंने आपको ये बताया था, इसको आप काट देना। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, यहां पर क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से देखो आप सभी, इसका आंसर क्या होगा हमारा? आरबीआई, बिल्कुल उसका आंसर आपका आरबीआई होगा। सर आप टाइमर नहीं, अब टाइमर देखो, अब यहां पर ना टाइमर लगाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटा से क्लास चल रहा है आप सभी का। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, डेवलपिंग ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, याद रखिएगा। राजन बिल्कुल सही है भाई आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने भारतीय पर्यटक के लिए ₹1200 प्रवेश शुल्क के लेने का? अच्छा, अब यहां पर अगर आप जाओगे ना, पहले यहां पर जाने के वक्त आपको पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब अगर इस देश में घूमने जाओगे तो आपको ₹1200 देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं भैया, बिल्कुल, यह किसने किया है? यह किया गया भूटान के द्वारा, भूटान का राजधानी आपका थिम्पू, यहां के जो प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग, यहां के प्रधानमंत्री है। मुद्रा क्या है यहां का? भूटानिस नुगुलट्रुंग। यहां के क्या है? यहां का आप सभी का मुद्रा WHO, हेडक्वार्टर जेनेवा। पहले ये लिखो, आज गलती बताए थे ना, ये पहले याद रखिएगा। WHO ने उपन्यास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने मिलियन का दान देने का आग्रह किया है? $675 बिलियन, अभी ये रकम और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, यहां पर बोल रहा है आप सभी को क्या बता रहा है यहां पर,
यहां पर बता रहा है एक्सपो 2020 दुबई समिति के भारत के सह अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसने संभाली है। नैना सिंह, अमन मेहता, नदीप सिंह सूरी या हर्षवर्धन सिंगाल। फटाफट और दो तीन क्वेश्चन हमारे सामने, इसके बाद क्लास बंद करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल रितु कटारिया, बी नुगलत्रम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नवदीप सिंह सूरी। अगला 75 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भारत के लिए बच्चों के संरक्षण कोष का आगमन किसने किया? प्रिंस चार्ल्स। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला 76 नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी ने 5 मिलियन में डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म गेट मी शॉप जो है वो खरीद लिया, इसका अधिग्रहण कर लिया, इसका एक्वायर कर लिया गया है? गेट मी अ शॉप का जो प्लेटफॉर्म था ना डिजिटल, इसको खरीद लिया गया है $5 मिलियन में। किसके द्वारा? उबेर, जोमेटो, पेटीएम और इंस्टामोजो। फटाफट, 12:52 हो गया, चलो थोड़ा सा टाइम और लगेगा आप सभी का, थोड़ा सा और। बिल्कुल दीपक, आंसर इंस्टामोजो। 77 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, इसका आंसर बोलो। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, पेटीएम नहीं होगा शोभा, इंस्टामोजो सही आंसर है उसका। पंकज बिल्कुल सही आंसर है। भाई जितने लोग भी देख रहे हैं ना, एक लाइक कर दीजिएगा भाई वीडियो के ऊपर, ठीक है। किसने ड्रोन बनाने और बेचने के लिए इजरायली फर्म के साथ एक समझौते पर डील साइन किया है? अब ड्रोन जो कैमरा उड़ता है ना, वो बनाने के लिए और बनाने और बेचने के लिए इजरायली फर्म के साथ डील साइन किया है, कौन सा इंडिया कंपनी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका भी। लास्ट क्वेश्चन था, कल भी क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कराऊंगा, कोशिश करूंगा 1 घंटा में 70 क्वेश्चन कल करवा दूं फटाफट, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, सभी को गुड नाइट, सभी सो जाइएगा, और मैं खाना खाकर अभी फिर क्लास रेडी करूंगा 4:30 के लिए। सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं? लाइक कर